जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। देखो तो हमारी बिटिया रानी क्या सीमा नहीं है, कितनों तैयार कर दे, लेकिन जो माटी में खेल खाल के आज हैं और फिर ऐसी बन जाए हैं पागलों के जैसे, जैसे मोड़ी की देख देख नहीं कराती है कौन ऐसी बिना की जैसे कोई ना हो आराध्या को। हैं चलो ठीक है, आज अब सबके लाने बहुत अच्छी जानकारी दे बारे हैं, तो वीडियो में बने रहे हैं आराध्या तो ऐसी पकड़ लिया, तो वीडियो में बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं वीडियो अब बना लें, लेकिन बना नहीं पा रहे, अब बनाने पर रहे नहीं के साथ में परेशान कर रही हैं, क्या करें बहुत परेशान करा थे, वीडियो बड़ी मुश्किल में बना पाते हैं, देखो ऐसे परेशान कर रही हूँ, ओले ले ठीक है वीडियो में बढ़ रहे आगे, भाई बिना तो ऐसे परेशान करता ही रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार में अर्जी लगाने के कोई पैसे लगते हैं क्या? बहुत सारे लोगों का सवाल आते हैं कि अर्जी लगाई जाती है तो कितने पैसे लगते हैं और कैसे अर्जी लगाई जाती है, और जैसे घर बैठे अर्जी लगाते हैं तो कैसे अर्जी लगाते हैं। बहुत सारे लोगों के जैसे कि अभी बागेश्वर धाम कई लोगों के लिए बहुत दूर पड़ जाता है, कई लोग बहुत सारे लोग कि जो कि घर बैठे अर्जी लगाना चाहते हैं तो उनको पता नहीं है, पता भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई हमारे वीडियो देख लेना, हम वीडियो में जानकारी देने के लिए बैठे हैं आपकी बहन, आप सबके लिए जानकारी देने के लिए। तो आप सबको बता दें बागेश्वर धाम सरकार जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने का कितना शुल्क होता है और कैसे अर्जी लगाई जाती है सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक पहले ही कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप सबके भरोसे हम वीडियो बना रहे हैं बालाजी के आशीर्वाद से कि आप सबका साथ सपोर्ट बना रहे और हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। आवाज अभी हमारा ठीक नहीं है, बहुत गला खराब हो गया वीडियो बनाते बनाते, लेकिन आप लोग इतने सारे वीडियो बना लिए हैं, हमने कोई किसी ने भी अभी एक वीडियो को भी अच्छे से मतलब हमारे इतने ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई देख ही नहीं रहा है ज़्यादातर, ना ही कोई चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है ना वीडियो को लाइक करता है, बहुत मुश्किल से मेहनत से वीडियो बना पाते हैं। आप सबने देखा ही, हमारी बेटी परेशान कर रही है, अभी एक लड़की लेके गई है मतलब पड़ोसी की लड़की लेके गई है, ज़बरदस्ती रो रो के ले गई है। तो चलो वीडियो में बढ़ रहा है आगे, बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के पैसे कोई नहीं लेता है, मतलब कोई पैसे नहीं लगता है अगर वहाँ पे जाएंगे तो। अर्जी की मतलब प्रक्रिया ऐसी होती है, हमने पिछले वीडियो में बताया, लेकिन जिसने भी वाली वीडियो नहीं देखी है तो कोई नहीं, इस वीडियो में जानकारी हम दे रहे हैं। आगे झाड़ू लेने लगे का बताएं, चलो हम बता दे रहे हैं आप सबके लाने, मतलब लगी है झाड़ू, हमें मूड पर भरने डाल दी मिट्टी ला हाथ में। बागेश्वर धाम यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के बहुत सारे ऐसे घर बैठे भी मतलब अर्जी लगाई जा सकती है, लेकिन जब वहाँ पे लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले लॉटरी होती है, एक लॉटरी में टोकन मिलता है, टोकन में उसमें मतलब कुछ पर्ची वगैरह होती है तो उसमें अपना नाम पता और एड्रेस वगैरह लिखा जाता है मतलब कि, और उसमें डाल दिया जाता है एक लॉटरी बॉक्स में। लॉटरी बॉक्स में जैसे ही मतलब कोई लॉटरी वगैरह होती, जैसे लॉटरी फंसती है हमें तो इतना पता नहीं, गेम वगैरह खेले जाते वैसे ही वहाँ पे लॉटरी बॉक्स है वहाँ पे डाली जाती है, वैसे निकल आती है तो फिर उसमें नाम पता वगैरह नंबर डाल के जमा कर ली जाती है, और जैसे उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है जिसकी भी लॉटरी में फंस जाता है उसके लिए घर जब घर पे चले जाते हैं लोग, वहाँ पे थोड़ी रखते पता नहीं कितने दिन में उनका नंबर आता है। अब इसका वीडियो तो हम फिर कभी बनाएंगे कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बाद कितने दिन में नंबर आता है, तो उसकी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तो वहाँ पे अर्जी लगाने के बाद कम से कम उसकी जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, जैसे ही बालाजी की कृपा हो जाएगी वैसे ही अर्जी लग जाती है। तो उनके लिए फ़ोन लगा के उस नंबर पे जो लॉटरी के नंबर होता है मतलब टोकन होता है उस पे नंबर वगैरह लिखा जाता है, तो उस पे फ़ोन कॉल के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा उनके लिए बुलाया जाता है जिसकी अर्जी स्वीकार होती है। बागेश्वर धाम सरकार जिसकी समस्याओं का समाधान करते हैं उन सबका मतलब कॉल करके बुलाया जाता है। और घर बैठे कैसे अर्जी लगाएं ये बात भी आप सबको हमने बताई थी वीडियो में, तो घर बैठे अर्जी एक नारियल ले लो और एक लाल कपड़ा ले लो, और नारियल को कपड़े में बांध के और एक जो भी मतलब जो भी समस्या है जो भी अर्जी लगानी है आपको वो सारी समस्या एक पर्चे पे लिख लो और उसमें बांध दो,
लाल कपड़े में, और लाल कपड़े को बांध के बागेश्वर धाम नहा, मन को शांत करके, बिल्कुल एकदम शांत करके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मतलब ऐसे घबराए हुए होते हैं कि मतलब बिल्कुल एकदम शांत करके बिल्कुल पहले ध्यान लगाएं, उसके बाद ओम बागेश्वर धाम नहा का जाप करें 21 बार 108 बार जितनी आपकी श्रद्धा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार करें बागेश्वर धाम नमः का जाप करें, और उनके नाम से अपनी अर्जी लगा दें भगवान के यहाँ पे रख दें, आपके जो मंदिर होगा पूजा घर होगा वहाँ पे रख दें अपने घर में ही, और फिर बागेश्वर धाम जाएं। अर्जी तो घर से लग जाएगी लेकिन फिर भी आपको बागेश्वर धाम तो जाना ही पड़ेगा, और घर पर अर्जी तो लग जाती है लेकिन बागेश्वर धाम दिव्य दरबार में जाना पड़ेगा, तभी तो आपकी अर्जी स्वीकार होगी, है कि। तो आज की वीडियो में तो इतनी जानकारी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड नहीं होगा, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है वीडियो अपलोड करने की। मिल रहा है अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, आगे की जानकारी तो हम अगले वीडियो में देंगे ही देंगे, बनाते ही रहते हैं आजकल आवाज़ भी साथ नहीं दे रही है। जय श्री राम, मिल रहा है अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय श्री राम। देख लो पहले हमारी बिटिया के जो लग गया काम, माटी खोद रही है आंगन, क्या लगो है काम, चलो ठीक है, देख रहे हैं निकलाना है हम।